हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू स्मृति विद जीके। तो ये रही हमारी न्यू कार, कल रात को हम ले आए थे और आज हम जा रहे हैं इस पे लॉन्ग ड्राइव पे। लेट्स सी हमारी कार कैसी परफॉर्म करती है। आज फर्स्ट परफॉर्मेंस है हमारी गाड़ी। आई एम सो एक्साइटेड। गाइस लुक एट द मून रूफ, इट जस्ट लुक्स सो गुड। गाड़ी के पैसे उठ गए गौरव ये मून रूफ देख के। कल रात तो गाइस कुछ पता नहीं लग रहा था, तो थोड़ा ज्यादा हम पैसों की कैलकुलेशन कर रहे थे, बट आज हमें लग रहा है पता मून रूफ देख के। इट लुक्स सो गुड, इट फील्स गुड एक्चुअली। गाइस धूप भी निकल गई है, इट जस्ट फील्स सो गुड। गौरव गाड़ी पे क्या टाइम देख रहा है, आगे देख ले गाड़ी चला रहा है। वी आर ऑन फोर्ड ब्लू क्रूज, इट्स हैंड्स फ्री ड्राइविंग ऑन हाईवेज, सो आई डोंट हैव टू लुक Hold the steering, we did drive it itself. Wow. Yeah. Guys, ये आपको बताने का तरीका था। But yeah, you this is still fantastic. You have to focus on road. Yes. Yeah. If अगर मैं ज़्यादा देर इधर देखूँगा, it will give me a warning. So I can keep my hands off, but still I have to watch the road. Yeah. कभी-कभी कब आता तो मुझे डर लगता है कि मैं steering wheel पकड़ लूँ, मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, but I think थोड़े time के बाद we'll get comfortable with it. गौरव इज रेस्टिंग हिज जर्नी। ये देखो उसका हाथ है, क्या है क्या है। और हम कितने किलोमीटर जा रहे हैं आज? 76 किलोमीटर हैंड्स फ्री हमारा। वाओ, टोटल कितने किलोमीटर है जहाँ पे हम जा रहे हैं आज? इट्स अराउंड 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, सो हैंड्स फ्री इज ओनली ऑन हाईवेज, तो मतलब बाकी रोड्स पे अभी आया नहीं है हैंड्स फ्री। सो 78 अभी रहा, मतलब काफी हम कवर भी कर चुके हैं, अभी 75 रहता है। तो हमने उस दिन टेस्ला रेंट करी थी, यहाँ पे डाल दे वीडियो लिंक। तो उसमें हमने बस टेस्ला को देखने के लिए कि कैसा लगता है टेस्ला में, बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, हमें नहीं मजा आया टेस्ला में। डीफ्रॉस्टिंग उसकी इतनी अच्छे से नहीं होती थी, हैंडलिंग नहीं अच्छी लगी, सस्पेंशन मुझे उसका काफी स्टिफ लगा, मुझे स्पेशियस नहीं लगा था वैसे, मुझे लाइक लिटरली अंदर से काफी बोरिंग है। यस, वेरी ब्लैंड। और हम जब मैक की सिलेक्ट हमने देखी तो मुझे वो भी नहीं अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें कोई था नहीं, और मूनरूफ नहीं था, बट हमें फिर प्रीमियम अच्छी लगी, क्योंकि एक तो गाड़ी थोड़ी स्पेशियस लगी थी, प्लस हेड स्पेस भी अच्छी है, और वैसे तो बाकी सारा कुछ सेम था, बट इट्स जस्ट यू नो यू आर पेइंग फॉर द व्यूज, ये वाले व्यूज। व्हील्स बड़े मिल गए इसमें, उसमें 18 इंच थे, इसमें 19 इंच मिल गए, प्लस अलॉयज बेटर है, मैं भी अलॉय थे, बट दे वर डिफरेंट डिजाइन, या एंड स्पीकर हमें अच्छे मिल गए, इंटीरियर में हमें वाइट का ऑप्शन मिल गया, उसमें से ब्लैक का ऑप्शन है। आज की ड्राइव के बाद वी विल लेट यू नो कि आपको पैकेज प्रीमियम देना चाहिए, हमने तो ले ली। आज टेस्टिंग लॉन्ग ड्राइव पे कैसे बैटरी कैसी है इसकी, और हमें चार्जिंग के कोई इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, और हाँ अभी हैंड्स फ्री चल रही है कार, कोई की लेन चेंज कर रहा था तो हम डर गए, छोटी कहती देख देख करके, बट कार वेरी गुड ऑन हैंड्स। सो हमने ये गाड़ी सिर्फ बेसिक डेली यूज के उस पर नहीं ली, हमें है कि हम काफी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं एक्चुअली, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब तो समर आ रही थी और स्प्रिंग तो शुरू हो ही चुका है, और आज से शुरू हुआ लग रहा है, जैसे आज धूप आई है। हाँ, तो उसके बाद फिर हमें पूरा टाइम फ्यूल का नहीं सोचना पड़ेगा जब हम लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, पहले हम फ्यूल का निकाल देते थे अलग से पैसे। हाँ। अब हमें इसका टेंशन फ्री है, वी कैन गो इलेक्ट्रिक, ऑल इलेक्ट्रिक, उतना पे करना ही है, सो वी डोंट हैव टू, या वी कैन टेक एज मच एज लॉन्ग ट्रिप्स एज पॉसिबल। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट है, सो कंपेयर टू गैसोलीन, सो इट्स गुड। एंड एक और रीजन था एक कार लेने का कि मेरा भी रियल एस्टेट का काम शुरू होने वाला है, एंड ड्राइविंग बढ़ जाएगी मेरी, सो व्हाई वेस्ट ऑन फ्यूल और एंड गेट दिस एक्चुअली गेट अ न्यू कार ऑल इलेक्ट्रिक एंड यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस ट्वाइस अबाउट फ्यूल बिफोर गोइंग और हेडिंग आउट। पीसी में इलेक्ट्रिक कार लेने का फायदा भी है, क्योंकि यहाँ पे
तेल बहुत महंगा है। अगर आप अल्बर्टा में हो तो आई डोंट नो अल्बर्टा एंड ओंटारियो वालों को पता होगा 20 रुपए कितना होगा। यस अगर आपने कभी विजिट किया है। हमने तो बस अल्बर्टा विजिट करा है, हमने तो ओंटारियो नहीं देखा। वहां पे जो फ्यूल प्राइसेस थे सही में वहां पे अगर फ्यूल सस्ता है तो फिर फ्यूल वाली गाड़ी लेना बाकी गवर्नमेंट रिबेट्स भी नहीं देती प्रोविंशियल गवर्नमेंट बीसी गवर्नमेंट प्रमोट्स दैट यू गो एंड वी आर ऑल राइट। बस वो एक बहुत ही पागल ड्राइवर चला रहे हैं, वो लेन चेंज कर रहा है। चलो अभी यू दिखाते हैं। कोई ना कोई वार्निंग आ रही थी पुट योर हैंड्स बैक एंड ऑल दैट। सो फोर्ड ब्लू क्रूज लुक्स मोर रिफाइंड देन टेस्ला। और हमने टेस्ला की मॉडल वाई ड्राइव करी थी, दैट वाज लाइक वन ऑफ द प्रीमियम मॉडल्स व्हिच इज लाइक वेरी मच कंपेयरेबल टू मार्की। चलो हमने तो घोड़े ही लेने थे। सो गाइस हम पहुंच गए हैरिसन हॉट स्प्रिंग्स में और ये रही हमारी चमकती हुई नई गाड़ी। इट जस्ट लुक्स सो गुड, मैं भी ब्लैक, गाड़ी भी ब्लैक। So if you want to go for a short getaway drive from Vancouver, then Harrison Lake is the right choice. Even if you can see that the weather looks sunny, but no, it feels a little cold actually. But the vibe is really, really good. I'm just guessing how the summers would be, because we can do a lot more activities in summers out here, like doing a picnic, going for a boating, and also paddle boarding. Oh my God, I'm gonna come back here again. Gaurav and I took a walk across the lake and explored the nearby places. And guys, this lake is so huge, so huge. तो हमसे इतनी walk होनी नहीं थी और ऊपर से ठंड लग रही है. So we are gonna go back to the car and also we are little hungry. So yeah, we are gonna have some food as well. So guys, अभी हम walk करके आए हैं और अभी हम अपना left over जो red sauce spaghetti बनाई थी मैंने, तो अब हम वो खाएंगे गाड़ी में. Then we will go to hot springs. This was Harrison Lake. अभी हम जाएंगे hot springs में. उसके बाद हम सोच रहे हैं अगर हमारे पास फिर भी time बचा तो हम एक falls में जाएंगे, right? और मौसम अगर अच्छा हुआ. Yes, ठंड है. हम अभी गाड़ी में comfortably बैठे हैं. ये ले गौरव. So guys, हम drive कर रहे थे. As you can see, ये बहुत सुंदर जगह है. और हम हैरिसन लेक से टुवर्ड्स वैसे ही ड्राइव करते हैं। वैसे ही कोई रास्ता हैरिसन लेक के से एकदम साइड साइड जाता है, तो साइड पे लेक चल रही है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा स्पॉट मिला तो हमने अपनी कार पार्क कर दी। यस और हमने काफी फोटोज भी खींची हमारी गाड़ी की। हाँ पे और हम अभी थोड़ा और आगे जाएंगे। कार की बैटरी वैसे हमारी 50% पे पहुंच चुकी है, बट आई गेस सफिशियंट होगी घर वापस जाने के लिए, क्योंकि हम अराउंड 85-86% पे निकले थे। Yes. Yeah. And everyone, you know, the view is like makes me feel that I'm so blessed and lucky that I'm getting to see these views. Hai na Gaurav? Yes. Matlab it feels like you just live 1 hour away from this kind of destination. Living in BC is too good. और अब हम निकल पड़े एक वाटरफॉल की तरफ विच इज़ कॉल्ड ब्राइडल वेल फॉल्स एंड द ड्राइव टूवर्ड्स द फॉल्स इज सो गुड। वी आर एब्सोल्युटली एंजॉयिंग इट। सो गाइस वी आर एट ब्राइडल वेल फॉल्स प्रोविंशियल पार्क। सो दिस वे, लेट्स गो दिस वे। कम ऑन गाइज, ठंड लग रही है वैसे, कुछ बोला नहीं जा रहा। गाइज हमें पहले लगा कि छोटी सी हाइक है, हम फटाफट करके आ जाएंगे, बट द मोर वी वेंट इनसाइड वी फाउंड सो मच स्नो इन दिस ट्रेल एंड यू नो आई एम वेयरिंग हील्स, सो जस्ट इमेजिन माई सिचुएशन। गाइज स्नो में भी हाइक करने आ गए हम तो। गौरव यार वाओ, वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइज।
सो गाइस अब हम आ गए हैं हमारी गाड़ी को चार्जिंग करने। हम हैं सरी के पास और ये हमने कैसे ढूंढा ये वाला चार्जिंग पॉइंट? फोर्ड की ऐप से। फोर्ड की ऐप से ढूंढा हमने, एक स्टेशन था और यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्जिंग पॉइंट है। अगर कोई ऑक्यूपाई था पर हम वहाँ पे चार्ज किया। अच्छा, ये वाला उससे सस्ता है। ये देखिए गाइस चार्जिंग हो रहे हैं। कितने की पड़ी हमें? वहाँ पे आ रहा है अभी पता लग जाएगा। ये आ रहा है चार्जिंग, देखो फास्ट चार्जिंग हो रहा है। गाड़ी तो इज टू गुड। बस हम चार्जिंग करके निकल पड़े अपने घर की तरफ एंड जाते हुए हमें भूख लगी थी, सो वी स्टॉप्ड बाय अ सुशी प्लेस एंड हैड दिस सुशी। सो गाइस वी आर वेटिंग हियर फॉर गेटिंग द टेबल। Forgot to mention one thing, please like, share and subscribe our channel. We will see you in our next video. Until then, take care, bye bye.